मुकम्मल लिखी हुई रेसिपी के लिए YouTube की वीडियो के नीचे चेक करें या फिर वीडियो के ऊपर लिंक को चेक करें जो कि आपको सीधे मेरे वेबसाइट cookwithfaiza.net पर ले जाएगा। अस्सलाम वालेकुम जी, आज आप मुझे बुलाने जा रहे हैं बहुत ही मज़ेदार रेसिपी। इसका नाम है पेशावरी खीर। ये मेरी फ्रेंड है जिनके घर पर मैंने ये खाई थी और उन्होंने अपनी रेसिपी मेरे साथ शेयर की है। उन्होंने यही कहा कि जो है ये काफ़ी डिफरेंट तरीकों से बनती, तो ये उनके घर में जिस तरीके से बनती है वो तरीका उन्होंने मुझे बताया। तो सबसे पहले आपको चाहिए एक ब्लेंडर का जग, उसमें आप डालेंगे उबले हुए चावल और इतने उबले हुए कि वो अच्छे से बिल्कुल सॉफ्ट हो जाने चाहिए, ठीक है। तो ये आधा कप कच्चे चावल थे, उनको मैंने 1.5 से 2 ग्लास पानी डालकर इतना बॉईल किया कि वो अच्छे से गल गए हुए, बिल्कुल सॉफ्ट हो गए हुए, ठीक है। ये देखें तो ये तमाम बीच में चला गया ब्लेंडर में चावल। उसके बाद जो सादे रस होते हैं जो घर पर हमारे पास होते हैं वो आप इसमें डालेंगे 4 अदद, और इसको आपने ग्राइंड कर लेना। काफ़ी दफ़ा जो होता है खीर जो होती है उसके अंदर में आपको चावल का दाना नजर आता है और फिरनी भी नहीं, लेकिन ये डिफरेंट तरीके से उन्होंने बताई थी तो ये कि जरूर ट्राई कीजिएगा। सिंपल है लेकिन इसका जायका बहुत अच्छा था। तो ये कि इसे मैं ग्राइंड करने लगी हूँ, फिर आपको दिखाती हूँ नेक्स्ट स्टेप। अब आपको चाहिए इसके लिए 2 लीटर दूध जो मैंने यहाँ पर हांडी में डाल दिया हुआ है, और इसके साथ ही ये जो चावलों का मिक्सचर है और रस का, ये आप यहीं पर ऐड करते हो। खीर का अगर आपको फुल जायका चाहिए तो इसमें आपको पेशेंस रखने होते हैं और बिल्कुल धीमी आंच पर रखकर आपने इसको पकाना होता है। अगर आप इसको तेज आंच पर पकाएंगे तो यकीन जाने के नीचे लग जाएगी, हर दफ़ा जलने की इसमें खुशबू आ गई तो आपको पता ही है फिर वो चीज़ कोई भी क्यों ना वो बेकार हो जाती है। तो पेशेंस रखेंगे, इसको अच्छे से मिक्स करें और इसको बिल्कुल जो है हल्की आँच पर आपने पकने देना है 30 से 35 मिनट के लिए, ठीक है। 30 to 35 मिनट्स के लिए इसको पकने देंगे। चमचा इसमें आप चलाते रहेंगे ताकि नीचे ये लगे ना, और फिर इसमें क्या जाएगा वो मैं आपको फिर बाद में दिखाती हूँ। देख लें इसको पकते हैं, अभी 20 मिनट हो गए। अब इसमें आप ऐड करेंगे यहाँ पे कंडेंस्ड मिल्क, जो गाढ़ा मीठा दूध आपको कैंस में मिलता है वो आप यहाँ पर डालोगे। ये कैन में डाल रही 397 ग्राम का, ठीक है। अगर आप ये नहीं डालना चाहते हैं तो इसकी जगह आप चीनी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 कप यानी कि 250 ग्राम चीनी भी आप इसमें डाल सकते हैं। मीठा कम पसंद करते हैं तो मीठा आप कम कर लें, ठीक है। हर एक की अपनी प्रेफरेंस होती है मीठे पर, और अगर शुगर फ्री बनाना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हो। आपको बताया हुआ है कि चीनी की जगह आप लो शुगर जो होती है यानी कि कैंडल वगैरह वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। साथ ही मैं इसमें डालूंगी इलायची पाउडर 1 टीस्पून है। इसको मज़ीद और पकाएंगे कि ये अच्छे गाढ़ेपन की तरफ आ जाएगी। बहुत सिंपल रेसिपी, इसमें कुछ भी नहीं डलता है लेकिन कीन जाने इसका जायका बहुत ही शानदार था। तो ये है कि इसको यहाँ पर पकने देते हैं। चमचा मैं कॉन्स्टेंटली चला रही हूँ और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। और जो पेशावरी खीर होती है उसका कलर एक बड़ा बिस्किटी सा कलर होता है, तो उसको कलर देने के लिए बीच में आप एक छोटा ग्राइंडिंग ले लें, उसमें आप 4 से 5 खजूरें डाल दें उसकी सीड्स रिमूव करके, और 1 टेबलस्पून गुड़ यानी कि शक्कर डाल दें, थोड़ा सा गर्म पानी डालेंगे और इसे ग्राइंड कर लेंगे इनटू पेस्ट, और फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देख लें इसको पकते पकते यहाँ पर अच्छे से 35 मिनट्स हो गए हैं और ये काफ़ी पक चुकी हुई है, क्योंकि ठंडे होने पर भी ये काफ़ी हद तक गाढ़ी हो जाती है, ठीक है। तो आप इसकी कंसिस्टेंसी देख सकते हैं, ये देखें, ठीक है। अब जो है यहाँ पर आपने ऐड करना है ये मिक्सचर, इसको डालकर मिक्स करते हैं। इसको अच्छे से मिक्स कर लिया, अब इसको आप जिस भी डिश में आपने इसको सर्व करना है इसको डाल करके ठंडा होने दें, और फिर इसको हम गार्निश करेंगे। तो इसको पहले ठंडा हो जाने दें, ठंडे हो जाने पर आप इसके ऊपर गार्निशिंग के तौर पर पिस्ते डालें, ठीक है। बादाम भी डाल सकते हैं और अखरोट। इसी के इसको डालकर चांदी का वर्क लगाते हैं और फिर से हम करते हैं डिश आउट। इसी के साथ इसको बनाते हैं, इसको आप सर्व कीजिएगा फ्रिज में रखकर, ठंडा हो जाने दें।
रेसिपी आपको पसंद आती है तो प्लीज को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर किया करें। कंप्लीट रिटन रेसिपी आपको मिलती है मेरी वेबसाइट पर उसको cookwithfaiza.net पर, और उम्मीद आप लोगों ने मेरी ऐप भी डाउनलोड कर ली होगी जो कि फ्री है। जरूर बनाइएगा, आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन दबाएं, मेक श्योर कीजिएगा कि ऑल भी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आप लोगों को मेरी लेटेस्ट वीडियोज़ रिसीव हो जाएं।